नमस्कार साथियों, एक बड़ी फेमस कहानी है जिसमें ये बताया गया कि लोकतंत्र में बोलना कितना ज़रूरी है। तो एक राजा है, वो एक सीधी सड़क पर एक पुल बनवाता है। वो देखता है कि लोग कितना सहन कर सकते हैं, तो उसने शुरुआत की कि उसने सीधी सड़क पर एक पुल बनवाया। अब सीधी सड़क पर पुल बन गया, लोगों ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब पुल बन गया, उसने कहा वहाँ एक शिकायत पेटी लगवाई कि भाई लोग जाएं और उस शिकायत पेटी में अपनी शिकायत डालें, लेकिन लोगों ने शिकायत नहीं डाली। तो फिर उस राजा ने ये किया कि उस पुल पे चलने के लिए टैक्स लगवाया, तब भी लोगों ने शिकायत नहीं की। फिर उसने ये किया कि उस पुल पर अपने दो सिपाही लगवाए, वो उस पुल पर आने जाने वालों को जूता मारा करते थे, तो भी लोगों ने शिकायत नहीं की। बहुत दिनों बाद शिकायत पेटी में एक शिकायत आई। उस शिकायत में लिख तो राजा को ये मानकर बहुत खुशी हुई कि भाई चलो किसी ने तो शिकायत की। तो शिकायत करने के बाद जब वो शिकायत खोली राजा ने, तो उस शिकायत में लिखा हुआ था कि साहब हमें काम पर जाना आना जाना होता है, और जिसके कारण पुल पर आपका एक ही सिपाही लगा है जो हमें जूते मारता है, आप एक और सिपाही लगा दीजिए ताकि हम लोग जल्दी आना जाना कर सकें। तो हमारे सिवनी की हालत यही है कि हमारे सिवनी में जो विकास काम होते हैं उस पर हमारे बोलने की या हमारे शिकायत करने की आदत कुछ ऐसी ही होती है। जिसका बड़ा उदाहरण हमारे पीछे है, एक मॉडल रोड बनाई गई जिस पर एक सपाट सड़क थी। हमारे विधायक, जिला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको अचानक सपना आया कि भाई यहाँ एक नाला हुआ करता है जिसको तोड़ा जाना है, नाले के अतिक्रमण हटाया गया। बहुत अच्छी बात थी, ये काम किया गया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप इस अच्छी खासी मॉडल रोड, वो जो स्मूथ चला करती थी, जिसमें कोई पानी की इतनी ब्लॉकेज नहीं होती थी कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हो, उस पर खोद कर एक पहाड़ नुमा नाला बना दिया गया। चलिए, नाला बना दिया गया। वो नाला पिछले 1.5 साल से, मतलब मार्च 2023 से अब तक बनी रहा है। 50 लाख रुपए की लागत लगा दी गई बताया जाता है। एक ठेकेदार चला गया, दूसरा आ गया, अभी तक वो नाला पूरा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप इस पर जो रोड है, इस पर एक नया तालाब इस जगह पर बनता है, सुहाने पेट्रोल पंप के सामने। दलसागर जब नहीं भरा था तो लोग इसी तालाब में डुबकियाँ मारते हुए निकलते थे और मज़ा लेते थे कि दलसागर तो ना भरा, लेकिन ये तो भर गया। दूसरी बात, इस पर अभी तक टायरिंग नहीं हुई है ना। आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल दचके खाते हुए, जिस समय पानी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, 2-3 बार सुधार कार्य भी कराया गया, बड़े इंटरेस्टिंग सुधार कार्य हुए कि मिट्टी डाल दो उसमें गिट्टी डाल दो। पिछले बार टायरिंग की गई जब नवरात्रि आने वाली थी, अब दशहरा और गणेश जी, दशहरा और दीपावली के त्यौहार सामने हैं, और ये सिवनी का सबसे प्रमुख मार्ग है। तो हमारे शहर का डेवलपमेंट की कहानी ये है, और हमारी शहर की जनता बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है जैसे उस राजा की प्रजा किया करती थी। हमें मुंह पे पट्टी बांधनी है। हम ज़रूर ये बोल देंगे कि यार ये रोड थोड़ी ख़राब हो गई साहब, थोड़ा बहुत ठीक कर दो, भले ही हम पे टैक्स बढ़ा दो। तो साथियों, ये हमारा लोकतंत्र है, हमें चलाना है शहर, हमें बोलना है। बगैर बोले लोकतंत्र नहीं चला करता। जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, ये राम मनोहर लोहिया का बहुत फेमस कथन है। अगर इसी तरीके से दब्बू बहन के कायरों की तरह जीना है तो क्या हमारा जीवन है? हम प्रश्न नहीं उठाते, हम बोलते नहीं, इस पर ना तो शिकायत होती है ना कोई कहता है। तो कब जागेंगे, कब शहर बेहतर होगा, और कब इस तरीके के कबूतर की बर्फ़ी खाने वाले लोगों को जवाब मिलेगा? तो जागिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जगाइए, सिवनी के जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों को जगाइए कि इस तरीके के नासूर सिवनी के दिल पर, सिवनी के शरीर पर नहीं चलेंगे। धन्यवाद।